सब्सक्राइब कीजिए सुमित ऑनलाइन क्लासेस को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। सुमित ऑनलाइन क्लासेस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 53। अंशुल और आशा पार्टनर हैं और प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो है उनकी 3:2 है। कहता है अंशुल बीइंग नॉन वर्किंग कैप पार्टनर के ये काम करने वाला नहीं है और ये पैसे लगाता है बिजनेस के अंदर, काम नहीं करता। डे टू डे वर्किंग जो कंडीशंस होती हैं, जो वर्किंग बिजनेस के काम होता है उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता और कैपिटल लगा देता है 8 लाख हर कैपिटल। आशा क्या करती है, बींग ए वर्किंग पार्टनर ये काम करती है बिजनेस के अंदर, एग्री टू वर्क फॉर फर्म। पार्टनरशिप डीड कहते हैं प्रोवाइड कर रखी है जिसके ऊपर क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है जितनी पार्टनर ने कैपिटल लगा रखी है 5%। तो यहाँ पर ए ने लगा रखी है और आशा ने नहीं लगाई है, अंशुल ने लगाई है, तो अंशुल को ही पार्टनर के कैपिटल पे इंटरेस्ट पे किया जाएगा। नेक्स्ट कहता है सैलरी टू एवरी वर्किंग पार्टनर, तो वर्किंग पार्टनर कौन है यहाँ पर, अंशुल तो नहीं है, आशा यहाँ पर वर्किंग पार्टनर है, उसको कितने दे देंगे 2,000 per month, तो साल के कितने हो जाएंगे ये 24,000। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है क्वेश्चन, नेट प्रॉफिट दे रखा है हमारे को बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं किया, कोई बात नहीं, ना ही पार्टनर की सैलरी चार्ज की, कोई बात नहीं हम चार्ज कर देंगे। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है हमारे को 32,000, डिस्ट्रीब्यूट कर दो प्रॉफिट को। ठीक है, तो भाई हमारे को नेट प्रॉफिट दिया हुआ तो क्या लिखेंगे, बाय नेट प्रॉफिट कितना लिया है 32,000। ठीक है, और हमारे पास पार्टनर कौन है, अंशुल और आशा। ठीक है, अंशुल और आशा। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, इनकी कैपिटल दे रखी है 8 लाख, तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी। 8 लाख कैपिटल दे रखी है अंशुल की और आशा ने कोई कैपिटल लगाई नहीं है। कहती है जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो 5% सैलरी के ऊपर, तो क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आशा को देना है। ठीक है जी, और ये कौन है, अंशुल, अंशुल ANSHU, अंशुल और आशा ASHA। ठीक है, और भाई एक को देना है तो बी को तो नहीं मिलेगा, ए को मिलेगा, अंशुल को मिलेगा, कितना मिलेगा यहाँ पर 5% से देना है। ठीक है, तो 2 0 काट दो तो ये कितना बन जाएगा, 8,001% बन जाएगा, तो 8 × 5 = 40, तो 40,000 बन जाएगा। ठीक है, और प्रॉफिट कितना हुआ मेरे को, प्रॉफिट तो सारा 32,000 है, और कहता है जी ये दे दो 40,000, किसको दे दो, अंशुल के दे दो सैलरी, ये दे दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, उसके बाद कहता है सैलरी भी देनी होगी किसी पार्टनर को। ठीक है, सैलरी किसको देनी है, ये वर्किंग पार्टनर को, कितनी देनी है 2,000, तो ये 24,000 हो जाएगी, तो क्या लिखेंगे, बी कैपिटल, बी कैपिटल कितनी आ जाएगी, 24,000। तो टोटल करो, कैलकुलेट करो, तो आपका 40,000 तो अंशुल की इंटरेस्ट बन गया प्लस 24,000 क्या बन गई है, सैलरी बन गई, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64,000। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो अमाउंट है वो कितना है 32,000, तो इनको रेशियो में डिवाइड कर लेते हैं, कितना था ये 40,000 और ये कितना था 24,000। ठीक है, 3 0 से 3 0 काट दी। ठीक है, ये कितने से काट दिया, ये काट दिया 20 से, और ये कितने से काट दिया, ये काट दिया 12 से, ये 4 × 5 = 20 और 4 × 3 = 12, तो रेशियो कितनी होगी 5:3, इसके अंदर क्या कर देंगे, ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो 32,000 को कितने से डिवाइड करोगे आप, 8 से, तो 32,000 को अगर आप 8 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 4,000 आंसर आ जाएगा एक पार्ट के अंदर। तो इसको कितने देने हैं 5 हिस्से, तो इसके हिस्से में कितने चले जाएंगे 20,000, इसको कितने देने 3 हिस्से, तो 4 × 3 = 12,000, ये 12,000 चले जाएंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, बाय सैलरी, सैलरी किसको देनी थी, बी को, कितनी 12,000, और ये क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल किसको मिलना था, ए को मिलना था, कितना 20,000। अब यहाँ टोटल कर दो तो कितना हो जाएगा 12,000, यहाँ कितना हो जाएगा 28,000, और यहाँ कितना आ जाएगा 28,000, और यहाँ कितना आ जाएगा आपका 12,000, यहाँ क्या लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये कितना आ जाएगा 28,000, ये कितना आ जाएगा 12,000। तो ऐसे ही आपने क्वेश्चन को ट्राई करना है। इसी के अंदर क्वेश्चन अगर दूसरा केस डाल देता है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने सारा का सारा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना ही करना है, एज ए चार्ज ट्रीट करना है आपने, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो चाहे पार्टनर की सैलरी हो, तो यहाँ पर कितना आ जाता है, ये आ जाता है आपका 40,000 और ये कितना आ जाता है आपका 24,000।
4000, तो टोटल कितने हो जाते हैं, ये हो जाते हैं टोटल 24000, ये हो जाते हैं 64000, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या आ जाता है आपका 64000 आ जाता, ठीक है। और 64000 आ जाता तो यहाँ पर क्या हो जाता आपका लॉस, क्यों, क्योंकि 32000 है आपका, और यहाँ क्या हो जाता बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट कितना 32000। और ये किस रेशो में शेयर करते हैं आप, 3:2 में, तो किसको जाता है ये, एक अंशुल को और एक किसको जाता है ये, आशा को, ठीक है। कितना, 3:2 में, तो कितना है 32000 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे, 32000 को अगर आप कितने से डिवाइड करोगे, 3 और 2 5 से, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 6400 एक इंच के अंदर, और एक को कितने देने हैं 2 इंच से, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 12800, इसमें से माइनस करो, कितना माइनस करना है आपने 32000, ठीक है। तो मेरे पास सेकेंड इंच के अंदर का इतना आ जाता 19200, और यहाँ ये सेम रहता, लेकिन ये सैलरी है, जो सैलरी के अंदर कितना आ जाता आपका, ये आ जाता आपका 24000, यहाँ कितना आ जाता आपका 24000, ठीक है। यहाँ क्या आ जाता आपका 24000, और यहाँ कितना आ जाता आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देते हैं आप 40000, ठीक है, ये आ जाता आपका 40000। और यहाँ पर बैलेंस शीट में चेंज होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से आपको लॉस आता है, लॉस कितने का आया था 19200 का, और सेकंड केस के अंदर कितने का आया था 12800 का, तो यहाँ कितना आ जाता आपका 24000, यहाँ कितना आ जाता 48000। अब 24000 में से अगर आप माइनस करोगे कितने 12800 को, तो ये कितना रह जाएगा 11200, कितना रह जाएगा 11200, यहाँ कितना आ जाएगा 24000, और ये कितना हो जाएगा 48000। अब इसमें से कितने में से 48000 में से आपने माइनस क्या करके चलना है, माइनस करके चलना है 19200, 19200, तो आपके पास जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा 28800, ठीक है। तो ऐसे अगर आपसे पूछ ले कि भाई आपने ये चार्ज करना ही करना है, टोटल अमाउंट एज ए चार्ज आपको ट्रीट करना है, अप्रोप्रिएशन आपने ट्रीट नहीं करना, आपने चार्ज ट्रीट करना है, क्वेश्चन साफ लिखे कर, बिजनेस को चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने सारा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आपने ऐसे ट्रीट करना है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आपने ऐसे ट्रीट करना है। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव या कोई शिकायत है तो वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपडेट करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।